हेलो प्यारे साथियों, जैसा मैंने आपको बोला, इस चैप्टर में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में दो पार्ट हैं, है ना। एक पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक का जो पार्ट था वो हमने फिनिश कर लिया था। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं जो कि कैपेसिटेंस है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इस पार्ट से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस आने की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ कैपेसिटेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर को हम लोग बोलचाल की भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं, है ना। ये एक ऐसा कॉमन सा चीज है जो आप कभी ना कभी जरूर सुने होंगे कि भाई फैन की स्पीड कम हो गई, कैपेसिटर चेंज कर लो, कंडेंसर चेंज कर लो, सुनते हैं हम लोग। तो ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला चीज है। ठीक है, कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। ओके, तो कैपेसिटर या कंडेंसर क्या चीज होता है उसको समझना पड़ेगा, है ना। तो बेटे ये एक प्रकार की डिवाइस है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये एक प्रकार की डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। भाई किस प्रकार की एनर्जी को स्टोर करता है, तो जैसा मैंने बोला आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी बाकी एनर्जी से अलग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से अलग है? नहीं, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। ओके, बट इसका जो एनर्जी स्टोर करने की तो और भी बहुत सारे डिवाइस है, फिर ये इसमें अलग क्या है, इसमें अलग क्या है? तो बेटा इसमें अलग ये है कि इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आपके पास एक बड़ी सी टंकी है, ठीक है, आपके पास एक बड़ी सी टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, हर एक घर के छत पे एक पानी की टंकी होती है कि नहीं होती है, 1000 लीटर की आपकी एक टंकी है। ठीक है, अब मान लो कहीं पर आग लग जाए, ठीक है, कहीं पर आग लग जाए, आपको क्या करना है, उस आग को बुझाना है, तो आप कैसे उसको बुझाओगे, विद द हेल्प ऑफ योर वाटर टैंक। तो उसमें क्या करोगे, आपके पास टैप होता है, टैप खोलोगे, बकेट रखोगे, उससे पानी धीरे धीरे गिरता जाएगा, आप उस पानी को लेके जाओगे, फिर डाल के आओगे, फिर भरोगे, फिर जाओगे, डाल के आओगे, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। इसमें क्या होगा, आपको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, है ना, काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। क्या ये प्रोसेस आपके लिए सुटेबल है, आग को काबू करने के लिए, आग को बुझाने के लिए, क्या ये काफी है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये काफी है। इससे बेटर ऑप्शन होता, इससे बेटर ऑप्शन होता कि अगर मैं उस 1000 लीटर के पानी को, हमारे पास मान लो ऐसे कुछ 100 बकेट होते, 100 बकेट्स, ठीक है, उसमें हमने पानी भर लिया, 10-10 लीटर की 100 बकेट है भाई, 1000 लीटर उसमें आ गया, और 100 आदमी हम खड़े हो गए। ठीक है, जब आग लगेगी तो भाई गांव से 100 आदमी तो आ ही जाएंगे, है ना। तो 100 आदमी आए, 100 बकेट भरा हुआ था, 100 बकेट में 1000 लीटर पानी थे। ठीक है, अब अगर कहीं आग लगी तो एक साथ, है ना, एक साथ 100 के 100 लोग पूरे 100 बकेट को एक साथ खाली कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बेटे वही 1000 लीटर पहले, वही 1000 लीटर अब, ठीक है, वो 1000 लीटर धीरे धीरे जा रहा था, और ये 1000 लीटर ऑल ऑफ अ सडन पड़ा, बताओ कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली ये जो हमने ऑल ऑफ अ सडन दे मारा, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, होगा कि नहीं? ठीक, तो सिमिलरली जो कैपेसिटर होता है, जो कंडेंसर होता है, ये भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है, और उस एनर्जी को जरूरत पड़ने पर ऑल ऑफ अ सडन यूज कर लेता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सारी एनर्जी एक साथ दे मारता है, ऐसे नहीं धीरे धीरे नहीं। बैटरी, बैटरी आपका क्या करता है, कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन ये जो होता है वो क्या करता है, ऑल ऑफ अ सडन एनर्जी रिलीज करता है।
ठीक है, तो आपको थोड़ी एनर्जी भी क्या लगती है, बहुत ज्यादा लगती है, थोड़ी एनर्जी भी बहुत ज्यादा लगती है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज कैपेसिटर और कंडेंसर, फिजिकली अगर इसका मीनिंग समझा जाए तो ये होता है, ठीक है, जो कि अपनी पूरी एनर्जी को इंस्टेंटली, है ना, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यूज कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर पुराने जमाने वाले कैमरे यूज किए हों, फ्लैश लाइट वाले जो कैमरे होते थे उसको अगर यूज किया हो, तो बेटे आपको याद होगा कि जब हम फ्लैश को ये करते थे, क्लिक करते थे, जैसे ही फोटो क्लिक करना होता था हम इसको दबाते थे तो अचानक से बहुत तेज रोशनी होती थी, है ना, इतनी तेज रोशनी होती थी कि फोटो ऐसा लगता था जैसे हमने दिन के उजाले में लिया हो, है ना, रात में भी फोटो खींचो तो ऐसा लगता था दिन के उजाले में लिया हो, होता है कि नहीं, ठीक है। तो कहां से आती है भाई इतनी एनर्जी, इतनी चमकदार रोशनी कहां से आती है, है ना, हम क्या करते थे, जो हमारा कैमरा होता था उसमें तो सिंपल 1.5 वोल्ट की 1.5 वोल्ट की सेल ही तो यूज करते थे, 1.5 वोल्ट की सेल इतनी एनर्जी कैसे दे सकता है, है ना, 1.5 वोल्ट से, जबकि हमको एक बल्ब जलाने के लिए 230 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, उसमें भी वो उतनी रोशनी नहीं देता जितना उसका फ्लैश दे देता है। तो रीजन इज सेम कि वहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, जो क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है पहले से, और उस एनर्जी को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यूज कर ले रहा है, इसलिए वो एनर्जी हमें बहुत ज्यादा लगती है जबकि है वो नहीं। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ऐसी जगहों पर जहां पर कि हमें एनर्जी की सडन जरूरत होती है वहां पर हम कैपेसिटर या कंडेंसर की यूज करते हैं। सिमिलरली बेटा जो फैन होता है, फैन में हम कंडेंसर क्यों यूज करते हैं, फैन में कंडेंसर कब क्यों यूज करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है बेटा, अगर फैन मान लो कभी नहीं, ट्रेनों में अक्सर ऐसा होता है, ट्रेन में आप कभी ट्रेवल कर रहे हो, है ना, स्पेशली जनरल कोचेज में, हाँ जनरल कोचेज में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो फैन उसका चल नहीं रहा होता है, ठीक है, उसका फैन अच्छे से मान लो आपने स्विच ऑन किया और वो घूम नहीं रहा है, तो कोई बूढ़े बुजुर्ग क्या बोलेंगे, भाई पेन लगा के थोड़ा सा उसको हल्का सा घुमा दो तो वो चलने लगेगा, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसमें जो है ना स्टार्टर का प्रॉब्लम है, है ना, उसके स्टार्टर का प्रॉब्लम है। एक्चुअली क्या होता है, जब फैन चालू करते हैं तो स्टार्ट होते के समय उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसको स्टार्ट होते समय ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो ज्यादा एनर्जी कहां से मिलेगी, तो हम एक कैपेसिटर उसके साथ लगा के रखते हैं जो कि जो स्टार्टिंग में उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वो दे देता है और वो आसानी से स्टार्ट हो जाता है। जहां कैपेसिटर का प्रॉब्लम होगा वो फिर दिक्कत करेगा, तो आप कंडेंसर चेंज कर सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में? तो ऐसी जगहों पर जहां पर एनर्जी की आपको ऑल ऑफ अ सडन जरूरत है, ठीक है, वहां पर हम कैपेसिटर या कंडेंसर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो व्हाट इज कैपेसिटर या कंडेंसर, तो वी कैन राइट इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी। तो दिस इज योर कैपेसिटर और कंडेंसर, ठीक है। सिंबल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, अक्सर हम लोग कैपेसिटर को इस तरीके से शो करते हैं, या तो ऐसे शो कर सकते हो या फिर ऐसे शो कर सकते हो, ठीक है। कैपेसिटर का ये सिंबल होता है बेटा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मतलब आपको समझ जाना है ये कैपेसिटर है, ठीक, ओके। नाउ आखिर हम किस चीज से कैपेसिटर बनाएंगे, ठीक है, कैपेसिटर समझ गए भाई क्या चीज होता है, क्या काम करता है वो भी समझ में आ गया, किस चीज से बनाएंगे इसको, कैसे बनेगा, तो बेटा एनी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर जो है वो कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी कंडक्टर जो है वो कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है, ठीक। तो बेटे जैसा कि हर
डिवाइस का काम करने का अपना एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है, उसी तरीके से कैपेसिटर का भी, कंडेंसर का भी एक प्रिंसिपल होता है, लॉ होता है। ठीक है, समझते हैं वो क्या चीज है, लॉ ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, लॉ ऑफ कैपेसिटर ये क्या कहता है कि भाई अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इफ देयर इज एनी कंडक्टर और उसके ऊपर हम चार्ज दे रहे हैं, चार्ज उस पर हम स्टोर करा रहे हैं, तो जब हम चार्ज उसके ऊपर स्टोर कराएंगे, ठीक है, देन क्या होगा, उसके ऊपर पोटेंशियल भी आएगा। ठीक है, तो ये चार्ज स्टोर्ड और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड में एक रिलेशन होता है। ठीक है, एक रिलेशन होता है। तो ये कहता है कि चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओके, चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, चार्ज स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अप्लाइड। ओके, दैट इज चार्ज अगर मान लो क्यू है बेटा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी के। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, इक्वलिटी का साइन दिया, तो ऑब्वियसली आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज सी। तो क्यू इक्वल्स टू हाउ मच, सी इनटू वी। तो कितना चार्ज आप स्टोर करने वाले हैं बेटा उसमें, क्यू बराबर सी इंटू वी चार्ज स्टोर करने वाले हैं। अब यहां पर जो ये सी वर्ड आया वो क्या है, दिस इज कैपेसिटेंस और कह सकते हैं हम लोग बेटा कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये कहां से पता चलता है अपने को, कैपेसिटेंस से पता चलता है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू C इंटू वी होगा। क्लियर, अब देखिए बेटे, तो जैसा कि हमें एक नया वर्ड सुनने को मिला, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, सो कैपेसिटेंस ठीक है, कैपेसिटेंस तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा इसको हम लोग कैपेसिटेंस को, तो जैसा कि आपको यहां से समझ में आ रहा है ना, कि C बराबर क्या हो जाएगा बेटे, Q अपॉन V हो जाएगा, है ना, Q अपॉन V हो जाएगा। तो इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, चार्ज और पर यूनिट वोल्टेज। सो कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पर यूनिट वोल्टेज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस, दैट इज C इक्वल्स टू Q अपॉन V, दैट इज C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ऐसा हो गया Q अपॉन V।
नाउ सी बेटे, तो यहां से कुछ चीजें हम ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ चीजें हम सीख सकते हैं। क्या चीज? पहली चीज हम इसका एसआई यूनिट बता सकते हैं बेटा। तो इट्स एसआई यूनिट इज, क्या हो जाएगा बेटा इसका एसआई यूनिट? देखो तो चार्ज का क्या होता है? कूलाम होता है ना? और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? वोल्ट होता है। सो इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम पर वोल्ट, है ना? शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं? कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कहते हैं बेटा फैराड। क्या कहते हैं? फैराड। और फैराड को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं एफ। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम पर वोल्ट और फैराड, फैराड एफ। ठीक है, फैराड एफ। आगे बात समझ में बेटे, जो फैराड है ना, फैराड यूनिट, ये काफी बड़ा यूनिट है। ठीक है, जनरली किसी भी बॉडी पर फैराड में कैपेसिटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यूज के लिए, मतलब प्रैक्टिकल यूज के लिए, हम लोग इतनी बड़ी यूनिट यूज नहीं करते। ऐसा यूनिट फैराड है, बट हम लोग इतनी बड़ी यूनिट यूज नहीं करते। प्रैक्टिकली जो आपको यूज होंगे वो होते हैं माइक्रो फैराड, पीको फैराड एटसेट्रा। ठीक है, फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट, सो कॉमनली यूज्ड यूनिट्स आर माइक्रोफेराड एंड पीको फेराड। तो माइक्रोफेराड आपको पता ही है बेटा, माइक्रो मतलब क्या होता है? 10^-6, एंड पीको मतलब क्या होता है बेटा? 10^-12। ठीक है, तो जब भी ये शब्द यूज होंगे, वर्ड यूज होंगे, आपको क्या करना है बेटा, समझ जाना है कि भैया माइक्रोफेराड मतलब 10^-6 फेराड होता है, पीको फेराड मीन्स 10^-12 फेराड होता है। इस तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? देन बेटे, ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। देन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख सकते हैं, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, क्या हो जाएगा बेटे? तो दिख रहा है आपको Q अपॉन V है, तो Q, अच्छा वोल्टेज क्या होता था बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता था, तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा। Q का क्या होता था बेटा? ए टी, सो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। वर्क डन का क्या होता था बेटा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, है ना, सिंप्लीफाई इट, एम माइनस वन। एल क्या हो जाएगा? माइनस टू। टी रेस टू क्या हो जाएगा? 4। एंड ए का क्या हो जाएगा? 2। सो इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एम माइनस वन, एल माइनस टू, टी रेस टू 4, ए स्क्वायर, ए का पावर 2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे बात समझ में बेटे, तो ये जो कुछ कॉमन सी चीजें थी वो हमने बात किया। क्लियर है कैपेसिटेंस के बारे में? अब जैसा कि मैंने आपको बोला बेटा कि कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा भाई? जब चार्ज होगा, है ना, चार्ज के थ्रू आएगा। आ रही बात समझ में? तो बेटे चार्ज तो जो है वो कंडक्टर के ऊपर भी रह सकते हैं, हमने देखा है। आप एक कंडक्टर को क्या कर सकते हो? चार्ज दे सकते हो, उसके सरफेस पर चार्ज आ जाते हैं, है ना, चार्ज उसके सरफेस पर रिसाइड करते हैं, तो वो भी क्या कर सकता है? कैपेसिटर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे एक कंडक्टर कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा। तो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर
एज कैपेसिटर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एज कैपेसिटर ठीक है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एज कैपेसिटर तो लेट्स से बेटा कि हमारे पास एक स्फेयर है कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इस पर हमने कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो ये इसके सरफेस पर है ना यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा बेटे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दैट आई नो है ना क्लियर है अब बेटे आपको पता है कि यहां पर एक जो सॉलिड स्फीयर होता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होते थे याद करो तो उसके सरफेस से स्टार्ट होकर के परपेंडिकुलरली रेडियली अवे जाता था कहां तक इनफिनिट तक तो फील्ड जो है वो इससे लेकर के इंफिनिटी तक यहां से इंफिनिटी तक यहां से इंफिनिटी तक यहां से इंफिनिटी तक यहां से इंफिनिटी तक चारों तरफ क्या हुआ है आपका फील्ड फैला पड़ा है ठीक है कहां तक इंफिनिटी तक इस स्फीयर से लेकर के इंफिनिटी तक आपकी फील्ड जो है वो क्या हुआ है बिखरा पड़ा है तो इसका मतलब है बेटे कि एनर्जी जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी जो है वो भी क्या हुआ है बिखरा हुआ है वो भी क्या हुआ है बिखरा हुआ है आगे बात समझ में इतनी मेरी बात ठीक है भैया तो हमको एक चीज पता है कि जो सरफेस पर किसी भी स्फेयर के सरफेस पर कंडक्टिंग स्फेयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है V बराबर के क्यू बाय आर ठीक है ये यहां का पोटेंशियल होता है बेटा आ रही बात समझ में V सरफेस का और हमको ये भी पता है कि किसी इंफिनिटी पर बहुत दूर इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है जीरो होता है तो V एट इंफिनिटी क्या हो गया बेटा जीरो हो गया तो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस यहां से लेके इंफिनिटी तक के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बेटा तो v सरफेस माइनस v इंफिनिटी v सरफेस माइनस इंफिनिटी क्या है जीरो दैट इज v सरफेस दैट इज k q बाय r दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा हमने क्या सीखा है बेटा हमने क्या सीखा है कि अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए ठीक है तो C बराबर क्या था Q अपॉन V है चार्ज पर यूनिट वोल्टेज दिस वाज़ द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस तो बेटे चार्ज इसके ऊपर कितना है Q है और वोल्टेज कितना आया है देखो K Q बाय R सो दिस Q एंड दिस U Q गेट्स कैंसिल्ड R अपॉन K 1 अपॉन K क्या होता है बेटे 4 पाई epsilon naught into क्या हो जाएगा बेटे R so capacitance you are getting 4 pi epsilon naught R ठीक है तो एक isolated spherical conductor की वजह से जो आपको capacity मिलेगी आपको capacitance मिलेगा वो कितना आ रहा है C equals to 4 pi epsilon naught R C equal to 4 pi epsilon naught R okay तो भैया हमें समझ में आ गया कि एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर एक आइसो अच्छा अब ये मैटर नहीं करता कि हमारा जो कंडक्टर है उसका शेप क्या है स्फेरिकल होगा देन ओनली होगा क्या नहीं कुछ भी शेप हो कंडक्टर है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है कुछ भी शेप हो फर्क नहीं पड़ता ठीक एक बात समझ में आ गया अब यहां से देखो हमें एक बहुत ही अच्छी चीज समझ में आती है जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं है ना बट आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कतई नहीं होना है क्या हमने क्या देखा सिंस C बराबर Q अपॉन V है ना ये हमने देखा डेफिनेशन कि कैपेसिटेंस क्या है भैया चार्ज पर यूनिट वोल्टेज है तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि चार्ज सॉरी कैपेसिटेंस चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है ना कैपेसिटेंस हाउ द कैपेसिटेंस इज डिपेंडिंग ऑन चार्ज तो आप मतलब अगर किसी को डेप्थ नॉलेज नहीं है किसी को अगर बेसिक चीजें नहीं समझ में आई है तो वो क्या बोलेगा भैया कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है ना और बोलेगा कि वोल्टेज पे कैसे डिपेंड कर रहा है तो बोलेगा भैया वन अपॉन वी यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है ठीक कोई भी ऐसा ही बोलेगा बट ऐसा नहीं है बेटा ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करता है ना तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है
क्लियर है मेरी बात? तो मैं इसको नोट करके लिख देता हूं बेटा, ताकि आपके माइंड से ये निकले नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज और वोल्टेज। ठीक है, तो भैया किस पे डिपेंड करता है फिर किस पे डिपेंड करता है? तो अभी अभी आपने देखा बेटा इसका कैपेसिटेंस कितना आया, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां कहीं भी कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको? कहीं भी कोई वोल्टेज दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। ठीक है, क्या दिख रहा है? रेडियस दिख रहा है, रेडियस दिख रहा है इस स्फीयर का। हाँ, तो रेडियस क्या चीज है? ये कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर है, हम जो बना रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसका साइज क्या ले रहे हैं, रेडियस क्या ले रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये साइज पर डिपेंड करता है किसके? कैपेसिटर के। ठीक है, दूसरी चीज मीडियम, क्योंकि मैंने अक्सर बोला है बेटा एप्सिलॉन नॉट कभी भी अकेला नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ हमेशा एप्सिलॉन आर होता है। ठीक है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये जहां मेंशन नहीं है दैट मींस कि वहां एयर है, एयर का एप्सिलॉन आर क्या होता है? 1 होता है, इसलिए यहां पर मेंशन नहीं है। अदरवाइज कोई मीडियम होगा तो यहां एप्सिलॉन आर ऑटोमेटिकली लग जाएगा, है कि नहीं? तो बेटे अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो भाई दो ही चीज है जिस पर कैपेसिटेंस आपका डिपेंड करता है, वो है एक क्या चीज, साइज, एंड दूसरा क्या है बेटा? मीडियम। यानी ये कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और वोल्टेज पर। ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर, कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स सच एज साइज एंड मीडियम, साइज एंड मीडियम। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। क्लियर है बेटे? So, बेटे हमने क्या देखा कि एक कंडक्टर अगर है, चाहे वो किसी भी शेप का हो, स्टिल वो क्या कर सकता है? एनर्जी को स्टोर कर सकता है, कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है। बट यहां ध्यान दो कि हमने कैपेसिटर का पर्पस क्या रखा है। हमने कैपेसिटर का पर्पस रखा है कि इसमें जो एनर्जी है उसको हम फटाफट यूज कर सकें, ऐसा चुटकी बजाते हुए, है कि नहीं? तो बेटे आप किसी चीज को चुटकी बजाते हुए कैसे यूज कर सकते हो? अगर वो बिखरा पड़ा रहेगा तब, या फिर वो अगर ऐसा समेटा हुआ है ना, कॉन्सेंट्रेटेड है, कन्फाइंड है, तब आप उसको यूं यूज कर सकते हो, या फिर वो बिखरा पड़ा है तो यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि जब वो कन्फाइंड होगा, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तब हम उसको क्या कर पाएंगे, ज्यादा इजीली और पलक झपकते यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो बेटे अभी जो आपने एग्जांपल देखा कि एक हमने स्फेयर लिया, तो उसमें फील्ड क्या होता है, स्फेयर से लेकर के इंफिनिटी तक, स्फेयर से लेकर के इंफिनिटी तक वो क्या हुआ पड़ा है? बिखरा पड़ा है। तो बेटा जब आपका एनर्जी इतने बड़े रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आप इसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाओगे। That means कि सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर जो है वो एक बेटर कैपेसिटर का ऑप्शन नहीं बन सकता। ठीक है, सिंगल कंडक्टर इज नॉट अ गुड कैपेसिटर। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी क्या होता है, लार्ज रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, कन्फाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो हम सिंगल कंडक्टर को, आइसोलेटेड कंडक्टर को प्रैक्टिकली कैपेसिटर के रूप में यूज नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज को भी मैं लिख देता हूं बेटे,
सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर इज नॉट अ गुड कैपेसिटर बिकॉज एनर्जी इन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लार्ज रीजन। ठीक है, तो हम इसको नहीं यूज करते हैं। तो फिर क्या बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है भाई, बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स यूज करते हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स यूज करते हैं। तो ग्रुप में सबसे सिंपल क्या होगा भाई, दो वाला करके देखते हैं। ठीक है, कि क्या फर्क पड़ता है। तो बात करते हैं हम लोग, ए पेयर ऑफ कंडक्टर, ए पेयर ऑफ कंडक्टर एज कैपेसिटर। देखते हैं ये बेहतर है या नहीं है, ए पेयर ऑफ कंडक्टर एज कैपेसिटर। ठीक है बेटे, तो इसमें क्या देखा गया कि मान लो बेटे हमने एक कंडक्टर ले लिया, फिर एक दूसरी कंडक्टर ले ली, ओके, और इनको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी में, बैटरी या सेल बोल लो, ये जो है बड़ी लंबी डंडी जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाती है, और ये जो छोटी डंडी है वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाती है। तो जब आप इनको कनेक्ट कर देते हो बेटा, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसके ऊपर ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इंजेक्ट हो जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटे, ऐसा हो गया, क्लियर है मेरी बात? अब बच्चे अगर मैं बोलूं कि ये जो कंडक्टर है ना, ये जो कंडक्टर है पॉजिटिव वाला, वहां पर पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर जो इस पर ये पॉइंट है मान लो, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल दो वजहों से होगा, एक खुद की वजह से और एक इसकी वजह से। अगर ये अकेला ही होता तो लेट्स से कि इसका पोटेंशियल क्या होता, के क्यू बाय आर होता, क्योंकि मैं मान लेता हूं इस पर प्लस क्यू आया था, इस पर माइनस क्यू आया था। ठीक है, तो बेटे अगर ये अकेला ही होता तो इस पर क्या आता, के क्यू बाय आर होता, मान लेते हैं कि स्फेरिकल है, के क्यू बाय आर आता। लेकिन अगर ये भी है, ये भी है, तो इसके वजह से भी तो यहां पोटेंशियल आएगा बेटा, और इसके वजह से जो यहां पोटेंशियल आएगा वो कैसा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। लेट्स से कि यहां से यहां तक की दूरी जो है आर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा, है ना, माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा। तो क्या देख रहे हो बेटे, क्या देख रहे हो कि यहां पर पोटेंशियल घट जा रहा है। अगर अकेला होता तो इतना होता, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इतना माइनस हो जा रहा है, मतलब पोटेंशियल घट गया, है ना, इसके प्रेजेंस के कारण इसका पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब इससे क्या फायदा हुआ, तो चूंकि आपने पढ़ा है, है ना, सिंस हमने पढ़ा है कि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो बेटे अगर आपको क्या रखना है, आपको क्या रखना है, इस चीज को कांस्टेंट रखना है, ये चीज आपको पता है, कैपेसिटेंस को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्यों, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर वोल्टेज है ना, अगर वोल्टेज क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, आ रही बात समझ में बेटा, अगर वोल्टेज डिक्रीज हुआ है तो चार्ज को क्या करना पड़ेगा, आ रही बात समझ में, चार्ज को क्या करना पड़ेगा, और चार्ज उस पर लाना पड़ेगा, नहीं मतलब, या फिर इस तरीके से समझो कि हमने क्या पढ़ा है कि चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज, एक वोल्ट है ना, एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, या एक वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए जितना उस पर चार्ज स्टोर होगा। तो बेटे अब आपका
वोल्टेज क्या हो गया, घट गया, वोल्टेज घट गया, तो उसको 1 वोल्ट बनाने के लिए आपको और उस पर चार्ज डालना पड़ेगा ना। आ रही बात समझ में? हमारा वोल्टेज घट गया, हमें उसको 1 वोल्ट बनाना है, वोल्टेज को बढ़ाना है, तो उस पर और चार्ज इंजेक्ट करना पड़ेगा, और चार्ज डालना पड़ेगा, तो वो क्या कर पा रहा है अब, और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है, और ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है। चार्ज ज्यादा स्टोर करेगा तो स्टोर करने की कैपेसिटी उसकी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई ना, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया, है ना। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा कि सिंगल कंडक्टर की जगह जब पेयर ऑफ कंडक्टर है, है ना, सिंगल कंडक्टर की जगह जब पेयर ऑफ कंडक्टर है, तो इसकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है। तो हमारा जो कैपेसिटर है वो बेटर कैपेसिटर हो गया, बेटर स्टोरेज कैपेसिटी वाला कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते बेटा कि एक पेयर ऑफ कंडक्टर जो है वो आइसोलेटेड कंडक्टर की के रिस्पेक्ट में एक बेटर कंडक्टर साबित होता है, सॉरी बेटर कैपेसिटर साबित होता है, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर ए पेयर ऑफ कंडक्टर इज अ बेटर कैपेसिटर एज कंपेयर्ड टू सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर। और इसकी दूसरी वजह एक और भी है, आपने पढ़ा है बेटा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पर एंड करते हैं, है ना, पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पर एंड करते हैं। तो एक और चीज आपको समझ में आ रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो एक रीजन में कन्फाइंड हो गया, अब ये इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है, है ना। तो आपका जो फील्ड एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी है, वो भी देखो एक बाउंडेड एरिया में आ गया, बाउंडेड एरिया में आ गया मतलब बेटा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, कन्फाइंड हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली, जो कि मेरा मेन पर्पस है कैपेसिटर का, ठीक है। तो दोनों चीज सॉल्व हो रहा है यहां पर, अब ये ज्यादा कैपेसिटी भी है इसकी और इसका जो एनर्जी है वो एक कन्फाइंड है, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड है, वी कैन यूज इट इफेक्टिवली। आ रही बात समझ में? तो ये हम सिंगल कंडक्टर की जगह पेयर ऑफ कंडक्टर या ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स यूज करते हैं। आगे बात समझ में? तो यहां देखो बेटे, दो कंडक्टर यूज करके हमने क्या बनाया, एक कैपेसिटर बनाया, दो कंडक्टर यूज करके हमने एक कैपेसिटर बनाया, तो तीन कंडक्टर यूज करेंगे तो कितने कैपेसिटर बनेंगे बेटे, दो कैपेसिटर बनेंगे। जितने नंबर ऑफ कैपेसिटर कंडक्टर्स होंगे, जितने नंबर ऑफ प्लेट्स होंगे, उससे एक नंबर कम कैपेसिटर बनेगा, ठीक है, क्लियर है। तो बेटे अब यहां से देखो, चूंकि हमने पेयर ऑफ कंडक्टर यूज किया, तो इसी कंसेप्ट को लेते हुए, है ना, कैपेसिटर हम तीन तरह की पढ़ने वाले हैं, इसी कंसेप्ट को लेते हुए अपने सिलेबस में हम तीन तरह के कैपेसिटर पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। कैपेसिटर एक पढ़ेंगे बेटा हम लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड तीसरा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ओके, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये तीन तरह के कैपेसिटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें देखो मोस्टली जो यूज होता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर रेयरली यूज होते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके और इसके ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है बेटे। तो विल स्टार्ट विथ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, वी विल स्टार्ट विथ
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसा नाम से ही सजेस्ट हो रहा है बेटा, नाम से ही हमें एक आइडिया मिल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आखिर होगा क्या। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली होता है जिसमें हम दो प्लेट्स को, दो चार्ज्ड मेटल प्लेट्स को पैरेलली रखे होते हैं। ठीक है, चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, दो चार्ज्ड मेटल प्लेट्स को पैरेलली हम प्लेस कर देते हैं। ठीक है बेटे, ऐसे दो मेटल प्लेट्स हमने ले लिए। मान लो कि इसका जो एरिया है दोनों का, दोनों प्लेट का जो एरिया है वो क्या है, बराबर है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो d है। ठीक है, ऐसा इसका जो एक प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और एक प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, इस पर चार्ज मान लो प्लस क्यू है और इस पर चार्ज मान लो माइनस क्यू है। अब चार्ज पर यूनिट एरिया करोगे तो बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। तो लेट्स से इस पर प्लस सिग्मा है और इस पर माइनस सिग्मा है। ठीक, इतनी सारी चीजें हमें पता चल गई। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आइडिया आपको लग गया होगा बेटा कि क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बेटे आपको एक चीज और समझ में आ रही है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा। तो बेटा आपको पता है कि इस ये जो प्लेन है वो सीट की तरह बिहेव कर रहा है। ये सरफेस कैसा बिहेव कर रहा है, सीट की तरह बिहेव कर रहा है ना। हम मान के चल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है तो लार्ज सीट का काम कर रहा है। लार्ज सीट की वजह से क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड होता था और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा बेटा, रेडियली इनवर्ड होता था और इसके वजह से भी क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटे, दोनों ही प्लेट की वजह से जो फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। और वो कितना हो जाएगा दोनों मिलकर के हो जाएंगे टोटल फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस इज द फील्ड। इस फील्ड को मैं क्या कह रहा हूं, ई नॉट। क्यों ई नॉट कह रहा हूं, क्योंकि अभी क्या है, एयर है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि दोनों प्लेट के बीच में फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। ओके बेटे, तो ऑब्वियस सी बात है यहां का चार्ज पॉजिटिव है, यहां का पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां का चार्ज नेगेटिव है, यहां का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो ये क्या हो गया, हाई पोटेंशियल हो गया, ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इन दोनों प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। ठीक है, मान लो पॉजिटिव प्लेट का वोल्टेज पोटेंशियल मैंने मान लो वी प्लस बोल दिया और माइनस है ना, नेगेटिव प्लेट का मैंने मान लो वी माइनस बोल दिया। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, आपको याद है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डीआर होता था। तो ई डीआर के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है बेटा ई नॉट, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ई नॉट, और डीआर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इनके बीच का गैप डी हो जाएगा। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है वी बराबर, वो कितना आ रहा है, ई नॉट इंटू डी आ रहा है। ठीक है, ई नॉट इंटू डी आ रहा है। अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को बेटे। अब आपको पता है कि सी अगर निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, क्यू पर यूनिट वोल्ट, चार्ज पर यूनिट वोल्ट करना है। अब ये चार्ज कौन सा है बेटा, चार्ज ऑन कैपेसिटर। अब यहां पर चार्ज जो है दोनों है, प्लस भी है और माइनस भी है, है ना, प्लस भी है माइनस भी है, इक्वल है अपोजिट है ना। तो हम कौन सा ले, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है बेटा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर बहुत
गहराई से आपको इस चीज को समझना है कि यहां दो प्लेट है ना, दो प्लेट में जो पॉजिटिव प्लेट है, दोनों प्लेट्स में से जो पॉजिटिव प्लेट है ओके, उसके इनर सरफेस, पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस हमेशा फेसिंग सरफेस पे जो है ना चार्ज इक्वल अपोजिट होगा, हमेशा फेसिंग सरफेस, इधर इधर कुछ भी हो सकता है ना, आउटर सरफेस पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेसिंग सरफेस पे हमेशा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। उसमें से जो पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज है वही कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। इधर कुछ चार्ज हो मतलब नहीं है, इधर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, बट हमें वो चार्ज नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है, ये वाला इनर सरफेस का, उसी को कैपेसिटर का चार्ज कहा जाता है। ठीक है, नोट करके लिख दे रहा हूं बेटा मैं, चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज कंसीडर्ड चार्ज ऑफ कैपेसिटर, उसी को हम कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं। ठीक है बेटे, तो देखो यहां पर कितना है, प्लस क्यू है बेटा, तो क्या हो गया, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, चार्ज आपके पास कितना है, क्यू है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपने अभी निकाला है ई नॉट डी, है ना, कितना निकाला है, ई नॉट इंटू डी, तो बेटे क्यू और ई नॉट देखो आपने कितना निकाला है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, तो बेटे क्यू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और सिग्मा इंटू डी। अच्छा सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया ही तो होता है, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा, q epsilon नॉट अपॉन सिग्मा के बदले क्या लिख सकते हैं, q अपॉन a इंटू डी। ठीक है, तो बेटे q epsilon नॉट a ऊपर चला जाएगा और q d नीचे रह जाएगा, q q gets cancel, so finally we are getting capacitance equals to epsilon नॉट a upon d, epsilon नॉट a upon d, this is the formula for capacitance of parallel plate capacitor, है ना, formula for parallel plate capacitor, well understood, चलिए आ रही है इतनी बात समझ में आपको। तो बेटे अगेन देखो हमारी जो ये बात है कि वो प्रूव हो रहा है कि कैपेसिटेंस जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ओनली कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट आया है, एरिया आया है और गैप आया है, तो गैप कितना लेना है ये हम जब बनाएंगे तो उस समय डिसाइड होगा, हमें प्लेट की एरिया कितनी लेनी है जब हम बनाएंगे तो डिसाइड होगा, है ना, इसके बीच में हम एयर रख रहे हैं या कोई मीडियम रख रहे हैं वो हम जब बनाएंगे तो डिसाइड होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शनल चीजें हैं, तो ये बात फिर से आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि कैपेसिटेंस जो होता है ना वो कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, चार्ज वोल्टेज वगैरह पे नहीं करता है। क्लियर, तो दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड यू गॉट द फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ओके, अब आपने देखा बेटा कि जब हमने बीच में एयर रखा था, है ना, प्लेट्स के बीच में जब एयर था तो कैपेसिटेंस कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आया, बट मैंने क्या बोला बेटा, ये मीडियम पर भी डिपेंड करता है, मीडियम अगर बदल देंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बदल जाएगा, इसका मतलब है कि मीडियम का इफेक्ट होता है, मीडियम का इफेक्ट होता है। अब मीडियम में क्या डालेंगे, मीडियम में हम दो चीजें डाल सकते हैं, या तो हम डाइलेक्ट्रिक डाल सकते हैं या तो हम मेटल डाल सकते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक या मेटल, चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट होगा, तो विल स्टार्ट विथ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस,
तो बच्चे आप सभी को याद होगा कि डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है ना, डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक के पास क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। और मैंने बताया था कि अगर मान लो यहां पर एक्सटर्नली फील्ड E नॉट है और यहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो फील्ड होता है वो बाहर के फील्ड के 1/k टाइम्स हो जाता है। याद है आपको, है ना, क्लियर है, 1/k टाइम्स हो जाता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। तो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फील्ड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इतनी बात आपको पुरानी जो है वो याद होनी चाहिए ताकि आप इस चीज को समझ सको, ठीक है। चलिए, तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटे जैसा आपने देखा कि अगर मान लो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ठीक, और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो ई नॉट था, कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए बेटा, जब हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो क्या अब इसके बीच फील्ड इतना ही रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, है ना। अब फील्ड कितना हो जाएगा, ई जो है वो हो जाएगा ई नॉट अपॉन के हो जाएगा, है ना बेटे। अब E जो है वो E नॉट अपॉन के हो जाएगा। तो चूंकि अभी आपने इसके पीछे में देखा था कि इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गैप के बराबर था, E नॉट इंटू डी के बराबर था। तो अभी E कितना है, E है, और गैप तो उतना ही है d। अब ये E कितना है बेटा, E नॉट बाय के है इंटू डी। E नॉट कितना है बेटे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, है ना, के इंटू डी। आरी बात समझ में, सिग्मा क्या है बेटा, q अपॉन a है, तो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट k d, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि c इक्वल्स टू क्या है, q अपॉन v है, देयरफॉर c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, q एंड v के बदले q d a एप्सिलॉन नॉट k, ऐसा हो जाएगा। ये q कैंसिल हो गया, c इक्वल्स टू आया बेटे एप्सिलॉन नॉट a बाय d इनटू k, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d इनटू k। तो बेटे ये जो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d था वो हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट किया था, जब हमारा इसके बीच में क्या था, एयर था, ठीक है। तो हम एयर वाले को क्या मान सकते हैं, c नॉट मान सकते हैं। तो अब कितना हो गया, k टाइम्स c नॉट हो गया। K क्या चीज है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन वन होता है, हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। तो ऑब्वियसली क्या हुआ बेटा, कैपेसिटेंस बढ़ गया, है ना, कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से, है ना, डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वी कैन राइट नोट, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कितना इंक्रीज हो जाता है बेटा, के टाइम्स इंक्रीजेस, के टाइम्स, जिसमें के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। और याद रखना बेटा, मैंने पहले भी बताया है, मेटल के लिए, फॉर मेटल के कितना होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है, फॉर मेटल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, समझ गए। तो ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और के टाइम्स हो जाता है, ठीक। तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट कैपेसिटेंस पर। लेकिन बेटे, लेकिन यहां पर देखो हमने क्या किया है, पूरी तरीके से इसको डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है, पूरी तरीके से डाइलेक्ट्रिक से भर दिया है। हम इसमें और भी अदर केसेस ले सकते हैं, ठीक है, अदर केसेस भी ले सकते हैं इसमें। चलो देखते हैं और क्या केसेस ले सकते हैं।
ठीक है। और क्या केस ले सकते हैं भाई, अगर मैं बोलूं कि जो प्लेट के बीच का स्पेस है कितना था डी, एंटायर स्पेस जो है एक सिंगल स्लैब से भर दिया तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, कंप्लीटली फिल्ड विथ सिंगल स्लैब, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड विथ सिंगल स्लैब। तो ये तो वही केस हो गया जो अभी हमने देखा था, है ना, एक सिंगल स्लैब लिया और इसके पूरे स्पेस को भर दिया जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो इसमें तो आपने सीख ही लिया है ना कि c बराबर क्या हो जाएगा बेटा, k टाइम्स c नॉट हो जाएगा। तो एयर में जब था तो जो इसका कैपेसिटेंस था उसका k टाइम्स हो जाएगा, ठीक। दूसरा केस ले सकते हैं हम, अगर ये पार्शियली फिल्ड हो, पार्शियली फिल्ड विथ सिंगल स्लैब, सिंगल स्लैब, पार्शियली फिल्ड विथ सिंगल स्लैब, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब मैंने एक ही स्लैब लिया लेकिन वो पूरा नहीं भर पा रहा है इसको, ठीक है, इस पूरे स्पेस के बराबर नहीं है, ऐसा है इस तरीके से, इसका थिकनेस कितना है t है और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हो, डिराइव भी कर सकते हैं, ओके। तो ये आता है बेटा c इक्वल्स टू इप्सिलन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाय k, दिस इज d माइनस t प्लस t बाय k, ऐसा आ जाता है, ठीक है। दिस इज कैपेसिटेंस फॉर पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर विथ सिंगल स्लैब, ठीक, d माइनस t प्लस t बाय k। अब इसमें और भी अदर एग्जांपल ले सकते हैं, पार्शियली फिल्ड विथ मल्टीपल स्लैब ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक। क्या कर रहे हैं हम लोग इस बार, कई सारे ऐसे ऐसे स्लैब्स डाल दे रहे हैं, कई सारे, ठीक है। इसका जैसे कि K1 हो, T1 हो, K2 हो, T2 हो, K3 हो, T3 हो, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग थिकनेस है, ऐसा हमने डाल दिया लेकिन फिर भी पूरा नहीं भरा है, अभी भी कुछ स्पेस खाली है, ठीक है। तो ये पार्शियली फिल्ड हो गया। इस सिचुएशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके लिए भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख सकते हैं, c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, ये देखो d माइनस, अब थिकनेस कितना हो गया बेटा, देखो t1 प्लस t2 एंड जितने भी होंगे वो सारे थिकनेस लेना पड़ेगा आपको, प्लस है ना t बाय k, तो कितने t, पहले का, दूसरे का, तीसरे का एंड सो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज पार्शियली फिल्ड विथ मल्टीपल स्लैब ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, ये हो गया। और अगर हमने इतने सारे स्लैब लगा करके पूरा ही भर दिया, ठीक है, पूरा भर दिया, तो फिर हम क्या कहेंगे, कंप्लीटली फिल्ड विथ मल्टीपल स्लैब्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक, ऐसा। तो बेटे चूंकि आपने इस बार क्या किया है, कंप्लीटली फिल कर दिया है, अब जब कंप्लीटली फिल कर दिया तो ये सारे की जो थिकनेस है उसको ऐड करोगे तो गैप के बराबर आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, तो d बराबर क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 एंड so on, इसको ऐड करोगे तो d के बराबर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में देखो epsilon not a by d minus ये पूरा थिकनेस, ये जब पूरा थिकनेस d के बराबर कर दोगे तो क्या ये और ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर जो कैपेसिटेंस बचेगा वो बचेगा epsilon not a अपॉन t
T1 by K1 plus T2 by K2 plus 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 इस तरीके से आपको करना है। तो ये दे देगा बेटा completely filled वाला, ठीक है, capacitance of completely filled capacitor multiple slabs का, ठीक है। आगे बात समझ में बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग फोर्स बिटवीन प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स हम देख रहे हैं उनके बीच में किसी प्रकार का फोर्स लगता है? चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा बेटा, अगर मान लो ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, ये मान लो पॉजिटिव प्लेट है। तो क्यों ये पॉजिटिव प्लेट है? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। सरफेस एरिया मान लो ए है, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए हो जाएगा। और इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है, ठीक है। तो बच्चे आपको एक चीज पता है कि इस सीट की वजह से, है ना, ये जो सरफेस है उसके वजह से फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा और इस तरफ होगा। इस प्लेट की वजह से कितना होगा बेटा? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फील्ड। अब इस प्लेट की वजह से जो फील्ड है उस फील्ड में ये चार्ज रखे गए हैं, है ना, उस फील्ड में ये चार्ज रखे गए। तो आपको पता है बेटा जब कोई चार्ज किसी फील्ड में होता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किधर लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पर जो फोर्स है वो किधर लग जाएगा बेटे? इस तरफ लग जाएगा। कितना लग जाएगा बेटा? क्यू इंटू ई। चार्ज कितना है? क्यू। और फील्ड कितना है? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरफ देखो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो हाउ मच इज द फोर्स? फोर्स इज Q sigma by 2 epsilon naught। तो Q by 2 epsilon naught, और sigma क्या होता है बेटा? Charge upon area, Q upon A, ठीक। Therefore F equals to Q square upon 2 A epsilon naught, ठीक है, Q square by 2 A epsilon naught। तो this is the force, ठीक है बेटे। तो आपने क्या देखा बेटा? इस प्लेट ने इसको क्या किया? इधर अट्रैक्ट किया। तो ये भी क्या करेगा? इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। तो इसका नेचर कैसा है? इस फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। तो दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं विद द फोर्स क्यू स्क्वायर बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। आगे बात समझ में। अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि आप किसी प्रकार का प्रेशर भी लगता है। तो नेक्स्ट हेडिंग वी कैन give pressure on plates of capacitor, pressure on plates of capacitor। तो बेटे इसमें आपको क्या देखना है? चूंकि F equals to क्या आया बेटे? Q square upon 2A epsilon not आया, Q square upon 2A epsilon not आया। तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रेशर आपको कैसे मिलता है? जब दो फोर्स अपॉन एरिया करते हो, तो हमने क्या किया? इधर भी एरिया से डिवाइड कर दिया और इधर भी एरिया से डिवाइड कर दिया, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो एफ अपॉन ए है, दिस इज प्रेशर। तो प्रेशर इक्वल्स टू, अच्छा, क्यू अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहां देखो बेटे, क्यू अपॉन ए क्या है? सिग्मा है। तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज प्रेशर। सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ओके, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज प्रेशर। तो फोर्स कितना लगता है? क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट लगता है। प्रेशर कितना लगता है? सिग्मा स्क्वायर बाय
टू एप्सिलॉन नॉट लगता है। ठीक है, अगर हम चाहें तो फोर्स को यहां से भी दिखा सकते हैं बेटा, ये एरिया है ना, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया इधर चला जाएगा, तो फोर्स को एक और टर्म्स में दिखा सकते हैं, दैट इज एफ इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, है ना, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया बेटा प्रेशर। अच्छा बेटे, हमने क्या बोला जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया, तो हमने बोला कि कैपेसिटर क्या है, एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करने वाली डिवाइस है आपका, क्या क्या बोलते हैं कैपेसिटर, है ना, तो कितना एनर्जी स्टोर करेगा ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब भैया जो कैपेसिटर है वो जो एनर्जी स्टोर करता है ना, वो एनर्जी जो स्टोर करता है कैसे करता है, उसको पहले हमें क्या करना होता है, चार्ज करना होता है, कैपेसिटर को क्या करना पड़ता है, चार्ज करना होता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है बेटे, तो इसके जो प्लेट्स हैं, ठीक है, सेपरेशन कितना है, d है, एरिया a है, पॉजिटिव आ गया इस पर, नेगेटिव डाल दिया इस पर, तो बेटे हम जब ये अनचार्ज्ड होता है इसमें किसी प्रकार की एनर्जी नहीं होती, जब हम इस पर चार्ज डालते हैं ये चार्ज हो जाता है तो इस पर एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ भी चार्ज नहीं था, कुछ भी एनर्जी नहीं था, लेकिन जब हम इस पे चार्ज डालना शुरू किए तो चार्ज इस पे बढ़ने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते है ना हमने मैक्सिमम इस पर कितना चार्ज डाला, Q डाला, मैक्सिमम चार्ज कितना डाला, Q डाला, तो इस पर चार्ज क्या हो रहा है बेटा, वेरी हो रहा है जीरो से लेकर Q तक, है ना, जीरो से लेकर के Q तक इस पे चार्ज वेरी कर रहा है। तो किसी समय मान लो एट एनी टाइम लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q, कितना है बेटा, मान लो कि स्मॉल Q है, तो बच्चे चूंकि आपको पता है Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी होता है, तो देयरफॉर V बराबर क्या हो जाएगा बेटे, Q बाई C, तो इसका मतलब अभी इसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q बाई C है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, Q बाई C है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस पे धीरे धीरे चार्ज ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डी क्यू चार्ज करके ला रहे हैं, तो बेटा यहां पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है इतना, और डी क्यू चार्ज आपको लाना है, dq चार्ज क्या करना है, लाना है, तो ऑब्वियसली आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन क्या होता है बेटा, q इनटू v, तो q कितना है dq और v, तो v इनटू dq, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, v कितना है आपके पास, q by c और dq, दिस इज dw, छोटा सा वर्क डन आपको करना पड़ा, टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो टोटल वर्क डन यू विल गेट, है ना, कहां से कहां तक करोगे बेटा, 0 से कैपिटल q तक, तो क्या हो जाएगा 1 बाई सी, और ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखोगे 0 से कैपिटल q तक, तो दिस इज q स्क्वायर बाई 2c, दिस मच इज वर्क डन, जो आप वर्क डन करते हो वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। मान लो फाइनल एनर्जी क्या है, u है, इनिशियली आपने क्या देखा था, 0 था, तो क्या हो गया बेटा, u हो गया कितना, q स्क्वायर बाई 2c, सो दिस मच एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ओके, इन अ कैपेसिटर। ठीक, अच्छा इसको आप क्या कर सकते हो, और भी रूप दे सकते हो उसको, क्योंकि q बराबर क्या होता है बेटा, cv होता है, तो ये since q equals to c into v, therefore u बराबर अगर यहां पे रख दोगे बेटा, c square v square, एक c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, half cv square, तो ये इसका दूसरा रूप होता है, या फिर आप क्या कर सकते हो बेटे, c के बदले क्या लिख सकते हो, q by v, तो Q यहां रह जाएगा, V ऊपर चल जाएगा, Q एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक और रूप निकल के आता है, हाफ इंटू क्यू इंटू वी, तो पोटेंशियल कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको तीन तरीके से निकाल सकते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ क्यू इंटू वी, इस तरीके से। ठीक, वन लास्ट टॉपिक, इसके बाद आज की सभा हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है,
Now we will talk about energy density. Energy density. Okay, what is energy density? Energy stored per unit volume. क्या कहलाता है बेटा? Energy density कहलाता है. Energy stored per unit volume is called energy density. Okay, energy stored per unit volume is called energy density. इसको हम लोग small u से show करते हैं. तो small u क्या हो गया बेटा? Energy upon volume. ठीक है, energy upon volume. तो कैपेसिटर के केस में आपने क्या देखा बेटा? ठीक है, इनके बीच में गैप d है, एरिया a है. तो आपने देखा एनर्जी कितना स्टोर किया? हाफ सी वी स्क्वायर, है ना. और वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू लेंथ, तो a इंटू डी. तो हाफ c को क्या लिख सकते हो बेटा? आपने C कितना निकाला? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D निकाला. और देखो वोल्टेज आपने कितना निकाला था? E इंटू डी, तो E नॉट इंटू डी इसका स्क्वायर हो जाएगा, या E बोलो. ठीक है, E इंटू डी का स्क्वायर अपॉन क्या है? A D. तो क्या हो जा रहा है बेटे? हाफ ये A और ये A कैंसिल हो जा रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन D स्क्वायर, E square and D square. So this D square also gets cancelled. Okay, so U equals to half epsilon naught into E का square. This is energy density. और ध्यान रहे ये वाला जो E है वो क्या है? Electric field है. ठीक है, this E is electric field. Okay बच्चों, तो आज हमने capacitor के बारे में बहुत सारी चीजें जानी. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे. आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय.